हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति की दुनिया में स्वागत है। सो दिल्ली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। यहाँ से मैं अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करूँगी। एक साल बाद बाबू को बस 1 मंथ के लेके गई थी और 1 साल बाद मैं लेकर आई हूँ। 1-2 महीना बस बचा हुआ है और यहाँ से बाबू नहा धोवा के ये मस्ती कर रहे टेबल पे चढ़ के बॉटल के साथ, तो मैं थोड़ा सा ये क्लिप उसका मस्ती कर ली थी। और ये बाबू ना अब इतना बड़ा होने लगा है कि टेबल पर से चढ़ जाता है, पलंग पर से चढ़ के गिरना चाहता है, कूदना चाहता है। तो ये इसकी मॉर्निंग की भी हो, जब मैं नहा धोवा के रेडी हो गई थी और मैं इवनिंग में ले गई थी नीचे बाबू को तैयार वार करके इसकी फ्रेंड सबसे मिलाने के लिए, ताकि ये दोस्ती कर ले, थोड़ा सा नीचे आने के लिए सीख ले और घूमने आ जाए, टहल ले, थोड़ा मस्ती कर ले। तो इसका भी मन बहल जाएगा क्योंकि ये सोता नहीं है प्रॉपर, तो थोड़ा सा थकेगा, बातचीत होगी, चिल्लाएगा तो सोएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा अब इसको बाहर लाने की कोशिश करी दिल्ली की दुनिया में। सो यहाँ देख सकते हैं बच्चे के साथ कितना मस्ती कर रहा है। सो गाइस, तो यहाँ पे मैं 2-3 दिन वीडियो थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, थोड़ा शूट की हूँ। बाबू का नॉटी कैसे कैसे ये बदमाशियाँ करता है, खेलता है, उस वही सारी चीज़ में थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड की थी। ये पूरे बर्तन वाले खोल के उसको सारे बर्तन को बिगना चाह रहे हैं तो भाई साहब। और यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है, खाना पीना हो गया है तो आए हैं पटना से, तो जिधर देखो उधर काम ही काम, कभी फ्रिज साफ़ करना, कभी कपड़े फोल्ड करना, कभी पूजा रूम, कभी कुछ, कभी कभी डस्टिंग, कभी कुछ कपड़े, ऐसे ऐसे करके पूरे टाइम आजकल जा रहे हैं तो टाइम बिल्कुल नहीं मिला है। यही सब काम करते करते सुबह से शाम हो जा रही है, तो अगर कभी भी घर छोड़ देना तो घर तो में तो डस्टिंग हो ही जाती है। तो वही सब साफ़ सफाई चल रही थी और बाबू की चल रही थी वॉकर पे मस्ती। और ये देख सकते हैं बाबू अब धीरे धीरे चलने भी लगा है वॉकर पे, ये पूरे पैर से खड़े होके पूरे वॉकर को रिंग देता है, पूरे घर के सामान को इधर से उधर फैलाना फिर उसको समेटना, यही करते रहता है पूरे दिन, मेरा यही काम रह गया। लेकिन इसमें भी मन लगा रहता है बच्चे के साथ। Thank you.
सो गाइस, तो यहाँ पे खाना पीना गर्म बनाए, पूजा पाठ की, फिर सारे साफ सफाई के बाद हो गई थी शाम। तो यहाँ पे बाबू को ना ये गिफ्ट्स मिला था वॉकर, तो ये वाली मैं अनपैकिंग कर रही थी और मेरी फ्रेंड शाना दी थी। तो मैं बीच में तो मैं चली गई थी पटना, तो इसका यूज़ भी नहीं हुआ था, बट अभी ही बाबू को ज़रूरत है इसका। तो मैं सोची चलो इसको थोड़ा सा घुमा लाऊं, थोड़ा सा ये घूम लेता है ना, थक जाता है तो अच्छे से सोता है, नहीं तो काहे का रात में सोने दे, बिल्कुल रात में सोने नहीं देता। और तो मैं यहाँ से इसकी न्यू जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। पहली बार बाबू कुछ इस तरीके का ट्रक वॉकर पर बैठेगा और टहलने जाएगा, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर की कि बाबू कितना खुश है। और इसको ना लोगों से बात करना, लोगों के साथ खेलना, टॉय से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मतलब इंजॉय करता है। तो मेरी मम्मा लाइफ की जर्नी भी यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अंदर से मतलब फीलिंग आ रही थी मम्मा वाली, और इस तरीके से लेके जाने में भी मेरे को हेजिटेशन हो रहा था, थोड़ा सा सन भी लग रहा था, बट मैं फिर भी ले गए बाबू को नीचे। तो इस तरीके से अपना लाइफ स्टाइल अलग करना पड़ता है, बच्चे लोग भी सारे बच्चे हैं तो फटाफट अभी अभी नीचे वॉक करने के लिए ले जाएंगे, और पहली बार कुछ अलग सा फील हो रहा है, मम्मा ऐसे इस तरीके से ले जा रहा है, मेरे को तुम्हें थोड़ा सा हेजिटेशन भी हो रहा है, सब भी आ रहा है, बट देखते हैं कहाँ तक ये इन्जॉय कर पाता है। ये इसके बैठने के बाद काफ़ी एक्साइटेड है, तो मैं न्यू मॉम लाइफ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप फन ब्लॉग, शिवम ब्लॉग एंड क्यूट बॉय भी बॉय ब्लॉग इन्जॉय करेंगे ना बेटा, इन्जॉय करेंगे ना, मज़ा आ रहा है, चलो निकाल रहे हैं। चलो ठीक, तो फाइनली हम लोग आ गए लिफ्ट में, क्योंकि ये वॉकर के साथ जाना है तो लिफ्ट से ही जाना होगा। फाइनली ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे हम लोग, आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और बाबू काफ़ी ज़्यादा ये तो एक वो वाला वॉकर यूज़ कर रहा था। अरे देखिए इसमें आप लोग आपसे होगा इतना सेफ्टी से ले जाना होता है, आपको खाली ये यूज़ करने से नहीं होगा, ले जाना इतना सेफ्टी से होगा, लिफ्ट खुलेगा आपको जी, जो भाग करता है जाना होता है। ये आ गया ना, आ गया ना, वॉक करवा रहे हैं, मैं भी साथ वॉक अभी स्टार्ट कर रही हूँ, साथ में जुम्बा क्लास की, और शाम का इवनिंग वॉक, क्योंकि मेरा भी अब वेट बढ़ा हुआ है तो अपने पे ध्यान देना होगा। तो धीरे धीरे मैं अपने रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ, 10 साल से स्वस्थ जीने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग भी मेरे डेली ब्लॉग को इन्जॉय करेंगे बेबी के साथ, और बेबी के सारे एक्टिविटी में शेयर करूँगी। तो आइए चलिए अपने सोसाइटी घुमाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अबे वो खेलने में धुन है, फ्रॉक अच्छा लग रहा है, आपका फ्रॉक अच्छा लग रहा है, और लाइन से मंगाएंगे डालेंगे घर आने के बाद, लेकिन वॉक करके आने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है। मैं सोनू है, वो खा दे, हम एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे, अच्छा ही है सोनू, हम खा लिए हैं, हाँ हम खा लिए हैं, लीजिए हम खिला रहे हैं, ले बाबू बेट। आपको कहाँ मिल गया जलेबी?
हाँ कहाँ मिला लगे जलेबी। सो गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये ब्लॉग मैं दो दिन शूट की हूँ तो जाके मैं सोची चलो कंप्लीट होगा, तो आज थी संडे तो मैं सोची चलो इसी में ब्लॉग को आगे कंटिन्यू कर देती हूँ। तो आज सुबह सुबह मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में उठ के और एक को बॉईल करके आज कुछ नॉनवेज खाने की मन थी और एक मेरा फेवरेट डिश है, और छुट्टी वाले दिन मैं थोड़ा सा कुछ इसी तरीके का बनाती हूँ कि एक बार बना लो थोड़ा लेट और दो बार आराम से खा लेते। फिर बीच में हम लोग फिर भैया बाबू के घर गए थे घूमने के लिए, तो यहाँ पर मैं एक को उबाल के छीली और उसके बाद उसको तड़का लगाई बटर के साथ। थोड़ा सा फ्राई करने से ना एक बहुत टेस्टी होता है। थोड़ा सा मिर्च और हल्दी के साथ मैं फ्राई किया, फिर सारे मसाले को भूना। तो इस तरीके से एक बनाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, और हल्का हल्का ही फ्राई करना चाहिए। ज़्यादा फ्राई करने से क्या होता है, एक जो होती है ना करा सा चिमची मिर्चा हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑयल डाली, उसमें थोड़ा सा गर्म मसाला जीरा दालचीनी जो भी होता तेज पत्ता डाली, उसके बाद प्याज कस किया हुआ, मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले। सो गाइस तो मैं आप लोगों के साथ एक करी रेसिपी शेयर की हूँ, आप लोग कमेंट बताना कैसा लगा रेसिपी, और ज़रूर इस तरीके से एक बनाना ट्राई करना काफ़ी टेस्टी। खाना मेरा बन गया, उसके बाद बच्चे का तेल मालिश, उसका नहाना धुलाना, फिर तो मैं पति जी को खाना दी, यही सारे रूटीन है। उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत अब अपने लिए टाइम निकालती हूँ जिसमें मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ। और आपके साथ छोला रेसिपी भी मैं शेयर की थी, दो दिन ब्लॉग एक साथ कंबाइन करके मैं शेयर की हूँ, तो आप लोग प्लीज़ प्यार देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का ब्लॉग। और अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा रेस्ट किए, उसके बाद भैया बाबू के घर गए, वहाँ पे भी इंजॉय किए, बाबू जाके वहाँ पे बहुत खुश हुआ क्योंकि हम उनका फैमिली बहुत बड़ा है, उन लोगों के साथ खेला है। सो सेकंड डे ब्लॉग को कंटिन्यू किए हैं क्योंकि कल रात के बस इसको आने के बाद बस इसको खाना खिलाना है तो सुनाना है, इसी में टाइम निकल जाता है। तो आज मॉर्निंग से मैं, आज संडे था तो बिल्कुल साफ सफाई हुई है करके, और उसके बाद खाना पीना बनाए एक करी और पति देखो लेके चलो भैया भाभी के यहाँ जाने के लिए। और तो अपने तरीके से तो आप लोगों के साथ थोड़ा सा मॉर्निंग में मैं ब्लॉग शेयर की थी, बीच में मैं बस बाबू को नहलाया धुलाया तो रेडी किया खुला, ये सो के मास्टर उठे हैं, इतना बदमाशी करने लगे हैं, इतना रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो अभी जस्ट सो के उठे हैं और बस थोड़ा सोचे संडे है तो लेट टुगेदर करके आ जाते हैं, घर में भी हो जाएगा और भी काम थे लॉन्ड्री बस साड़ी वगैरह देने के लिए, बट ये साहब छोड़ते ही नहीं है। हाँ साहब एक मिनट टाइम नहीं देते आप, एक मिनट टाइम नहीं देते मम्मा को। तो चलिए चलिए ब्लॉग्स में बने रहिए, आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आएगा आप लोग को, स्टार्ट है थोड़ी देर में आप लोगों को मिलते हैं गाड़ी में बैठ के। कहाँ चलना है हंसी खुशी किस लिए घूमी। सो थोड़े बाबू के पापा से बहन बेटू गाड़ी में बैठो, गाड़ी में ओ मजा आ रहा है। गुगी अपन पापा के साथ आइए, आप बोलिए आइए, हाँ पढ़ा मैं ना, अच्छा
तुम इतना खेलने में मस्त, कहाँ है कहाँ, कितना दिन हो बेटो? दिखा दे दो, दे दो लाइट से जलाएगा, जला के दे दो, भैया से कितना पसंद आ रहा है। क्या बेटू क्या है, टेस्ट लेता है। एक तो संडे, ऊपर से मौसम इतना अच्छा, इतना सुहाना और इतना मतलब नेचुरल दिख रहा था छत्तापट से, और पूरी फैमिली ज्वाइंट्स होके इंजॉय कर रहे थे, बच्चे बाबू सबके साथ खूब सारे मस्ती की, खूब सारे खेले, उसके बाद हम लोग खाना क्या हुआ? पार्टनर नहीं मिला के लेके, फिर हम लोग बाबू 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 सो गाइस, हम लोग सारे फैमिली से मिलने के बाद आ गए थे नीचे, क्योंकि ये सोसाइटी में मैं ऑलरेडी रह चुकी हूँ, तो यहाँ से मेरा सारा चीज का लगाव है। तो मैं आ गई थी मंदिर देखने, मंदिर काफी खूबसूरत बना हुआ है, नया बना है, तो यहाँ पे माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आ गए और माथा टेक लिया। उसके बाद हम लोग हो गए अंदर भी। आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।